राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के बाद दूसरे दलों के नेता भी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए हाथरस पहुंच रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी की ओर से धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, समाजवादी पार्टी विधायक संजय लठार और जयवीर ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। वहीं आरएलडी नेता जयंत चौधरी भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। इस दौरान समाजवादी पार्टी और आरएलडी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हुई, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे, तो वहीं आरएलडी के 5 से ज्यादा नेता और कार्यकर्ता पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, जिन्हें रोकने पर पुलिस की उनसे झड़प भी हो गई। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से जब नारेबाजी हुई तो एक जगह पर आरएलडी के कार्यकर्ताओं को घेर कर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। हालांकि मीडिया भी उस दौरान मौजूद थी। जब प्रतिनिधि मंडल को मिलने के लिए समय दे दिया गया, सब कुछ ठीक तरह से चल रहा था, उसके बावजूद हंगामा हो रहा था और इसी को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। हाथरस पहुंचे आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने जी मीडिया से बातचीत में कहा कि अगर कहीं अन्याय हुआ है तो हमारी जिम्मेदारी है कि वो लोगों से जाकर मिलें, उनसे बात करें। मोदी साहब, ये बताएं कि आपसे बातचीत क्या हुई, परिवार ने क्या कहा? देखिए, दुखी हैं और परिवार के लोगों से तो बोला भी नहीं जा रहा, वो भी थक गए हैं और हिम्मत वाले लोग हैं, इतना तो प्रतीत होता ही है। मेरी पिताजी से बात हुई, मेरी माताजी से मैंने मुलाकात की, दोनों भाई उनके बैठे थे अंदर, उनके साथ बैठा मैं कुछ देर। ये कोशिश है कि हम लोग जो कुछ भी कहें, जो कुछ भी करें, ऐसे वक्त पे कहीं उनका जो दुख है, जो पीड़ा है, उसको बांटें। एक आरोप ये लग रहा है कि अब लगातार पार्टियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, कि एक राजनीतिक पर्यटन यहाँ शुरू हो गया है। आते हैं, परिवार से मिलते हैं, सरकार को कोसते हैं, बस एक चलन यह चल पड़ा है। नहीं तो इस देश में अजीब सी व्यवस्था बन गई कि कोई भी जिम्मेदार नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अपराध बढ़ रहे हैं, पुलिस की नाकामियां सामने आ रही हैं और रात रात जो है हमारे संस्कारों के विरुद्ध पाप किए जा रहे हैं, अंतिम संस्कार कर दिया जा रहा है जबरदस्ती, जबरन, परिवार के बिना सहमति और अनुमति के। और इस सब के बीच में भी अगर कोई आता है, कोई आवाज़ उठाने की भी कोशिश करता है, तो उसे एंटी नेशनल बता दिया जाता है।